रामपुर से जुड़ गए हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार जी, आपका सवाल। मेरी मिसेस को एक्चुअली में सूखी खारिश आई बहुत ज्यादा। सूखी खारिश स्वागत है आपका। रात को भी नींद नहीं आती। खुजली खुजली कह रहे हैं? हाँ खारिश खुजली। अच्छा देखिए, एक ये जो अलसी आती है ना, अलसी तो सभी जानते हैं, यूपी वाले चाहे रामपुर के हों चाहे बुलंदशहर के हों, अलसी तो सभी जानते हैं। अलसी खरीदें और उसे साफ़ कर लें, क्योंकि कंकर वंकर बहुत मिला देते हैं। 200-300 ग्राम अलसी ले लें, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मर्ज है उनको, रोग ज़्यादा है। ये अलसी का पाउडर बना के रखें, हल्का सा भून कर, ज़्यादा नहीं भूनना। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून, ये असली नमक लें, जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में मौजूद ही रहता है, ये 2 गिलास पानी में मिला के मिक्स कर लें और आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाएं। और ये पानी जो नमक जैतून और ये खाने का सोडे का पानी है, ये 2 गिलास पिला दें। एक बार पिलाना काफ़ी होता है, किसी किसी को 2 बार भी लगता है, बस एक बार दिया करें, आपकी पत्नी की को फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से नेहा जी जुड़ गई हैं। जी मैम स्वागत है आपका। दीदी हकीम जी, मेरे दांतों में जरा मसूड़े में खून वगैरह आता है काफी दिन से। अच्छा ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? वही 25 उम्र है जी। हाँ अच्छा देखिए, ज़्यादातर जिनको इस तरह का रोग होता है उनमें पायरिया कहलाता है और उनमें खून की कमी होती है। तो एक तो मल्टीविटामिन्स रोज़ाना एक ले लिया करें, एलोपैथी ही ले लिया करें, काफ़ी अच्छा होता है। और एक ये है कि जो खाने का सोडा है, एक चुटकी लें और अपनी हथेली पे रख लें। और ये राई का यानी सरसों का तेल है, 1 या 2 ड्रॉप इसमें ऐसे मिक्स करें और ऐसे अपने दांतों पर ऐसे रब करें, मालिश करते रहें हल्के हल्के ऐसे लेकर। और जो गंदगी आए तो वो आप जो लार आती है उसे ऐसे मुंह लटका के या थूक सकते हैं। ये रोज़ाना एक बार रात को सोते समय किया करें। और याद रखें कि कुल्ला नहीं करना, आप थूक कितना भी दें लार को लेकिन कुल्ला किए बगैर आप सो जाएं। ये आप कुछ दिन करेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। महाराष्ट्र से हैं शाहीन, अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, हकीम साहब से बात करनी है। जी शाहीन मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब दरअसल मेरे 4 सवाल थे अपने अब्बू के लिए। और मैं सवाल पूछने से पहले आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी 2 दवाएं अपने अब्बू को दे रही हूँ, एक जो है तो नमक जैतून और दूसरा है तो गौनसिया जी। पहला सवाल मेरा ये है हकीम साहब कि जैसे मेरे अब्बू के किडनी में पथरी थी तो आपने मुझे बताया था कि नमक जैतून और गुड़न के पत्ते उन्हें निहार मुंह देना है और उसके साथ 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में और उसके ऊपर और 2 गिलास पानी देना है। तो मैंने ये 12 से 13 दिन तक की ये खुराक उन्हें दी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हकीम साहब के जैसे अब हम कैसे पता करें कि उनकी जो किडनी की पथरी है वो बाहर आ गई है या किडनी में ही है, हमें कोई जांच वगैरह करवानी चाहिए, क्या करवाना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ बताए हकीम साहब। ये बताइए तकलीफ गई उनकी है अभी? हेलो, तकलीफ उनकी खत्म हो गई या अभी मौजूद है? जी हकीम साहब उन्हें तकलीफ नहीं थी, दर्द नहीं था उन्हें। अच्छा, और मेरा दूसरा सवाल ये है हकीम साहब के जैसे उन्हें जो है तो यूरिन इन्फेक्शन भी है और उनके डॉक्टर का कहना है कि उनकी किडनी भी काफी कमजोर है, तो आपने मुझे एक नुस्खा बताया है कि अलसी भून करके 2 चुटकी नमक जैतून पानी में 1 गिलास पानी में
देना है, तो वो मैं उन्हें एक महीने से दे रही हूँ हकीम साहब। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे ये नुस्खा उन्हें लगातार कितने दिन देना है, और साथ में ये भी कि जैसे उनकी ये परेशानी जो है किडनी, जो उनकी किडनी कमजोर है और जैसे उन्हें यूरिन की परेशानी है, यूरिन इन्फेक्शन की, तो क्या ये परेशानी उनकी हमेशा के लिए वो रोग मुक्त हो सकते हैं, और ये जो नुस्खा मैं दे रही हूँ तो मुझे लगातार कितने दिन देना है? और हेलो, जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, लगातार मुझे कितने दिन देना है ये नुस्खा हकीम साहब, और ये परेशानी से हमारे अब्बू के हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकते हैं? और जैसे उनके डॉक्टर उन्हें गोली भी देते हैं, तो उन्होंने बहुत दवाएं खाई है हकीम साहब, तो अब वो गोली से परहेज कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वो गोली से भी मतलब उन्हें आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या पड़े उन्हें हमेशा लेना चाहिए? आप मुझे ये बताएं। और तीसरा सवाल मेरा ये है हकीम साहब के, जैसे मेरे अब्बू के जो है तो अभी जो है तो सूजन की परेशानी बहुत बढ़ गई, उनके पैरों में बहुत सूजन आ रही है और यूरिन में बदबू बहुत है हकीम साहब उनके, तो इसके लिए मुझे कुछ बताए हकीम साहब के उनके पैरों में सूजन क्यों आ रही है और इतनी बदबू यूरिन में हमेशा से? मैं नमक जैतून तो उन्हें 4.5 महीने से दे रही हूँ हकीम साहब लगातार, जैसे पहले आपने मुझे बताया था कि पथरी के लिए नमक जैतून नींबू के साथ देना है, तो मैंने पहले उन्हें 3 महीने तक नींबू के साथ और 2 ग्लास पानी ऊपर से वो 3 महीने दिया है हकीम साहब। हेलो, ठीक है। और चौथा सवाल मेरा हकीम साहब के जो है तो उनके पैर में और हाथ में दर्द है और कमर में, तो मैं उन्हें गौंसिया तो दे रही हूँ हकीम साहब, लेकिन जैसे अब उनकी गौंसिया की खुराक 10 से 15 दिन की रह गई है, लेकिन जो हाथ जो है इनका ऊपर नहीं उठ पाता है हकीम साहब, और कमर में भी थोड़ा दर्द है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हकीम साहब के क्या अब मुझे गौंसिया अभी और उन्हें देना चाहिए, या और ये जो समस्या है उनकी दर्द की, तो ये इस वजह से हकीम साहब के उन्हें ब्रेन का अटैक आया था? अच्छा, कुछ फायदा है दर्द में उनको? हेलो, हाँ शाहिन, कुछ फायदा है दर्द में? फायदा लगता है? हाँ, दर्द में उनके इतना फायदा है हकीम साहब के पहले से जो दर्द है वो कम है अभी, लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है। और ठीक है, आप जैसी बेटी मिल गई तो पूरा फायदा होना मुमकिन है, इतनी तवज्जो से आप दवा दे रहे हैं। अच्छा बच्चे, देखो किडनी में पथरी है कि नहीं है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये तकलीफ चली जानी चाहिए, उनको तकलीफ पहले थी ही नहीं, तो फिर उसके लिए आपको सोनोग्राफी करानी पड़ सकती है, और कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपनी तसल्ली के लिए सोनोग्राफी करा लें। वैसे उस नुस्खे से आपको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, अगर आप नमक जैतून दे रहे हैं तो 3-3 रोगों के लिए 3 तरीके से देने की ज़रूरत नहीं है। और नमक जैतून 2 चुटकी एक दिन में बस पहुंचना चाहिए, नुस्खा कोई भी हो। उसके अलावा अगर अलसी है साथ में तो अलसी साथ में खिला दें उन्हें, लेकिन अलसी के साथ अलग और इसके साथ अलग नहीं दे सकते। दूसरा ये कि अगर आपने नींबू पानी, वो जैतून के नमक के पानी में नींबू नहीं मिलाया तो ये गलत किया, उसमें नींबू मिलाकर देना चाहिए, ताकि पथरी गुलड़ के पत्ते वाले नुस्खे में तो ज़्यादा काम करता है। मेरी दुआ है कि उनकी पथरी निकल गई हो, होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के अच्छे नुस्खों में माना जाता है। और फिर आप जैसी बेटी दुआ करेगी और हम भी दुआ करेंगे तो उनको फ़ायदा होना चाहिए। और देखिए, ये सब चीज़ें जांच से ही पता चलेंगी, लेकिन अगर पैरों पर सूजन अभी भी है या दिखती है या लगती है, ये दो चीज़ें अलग होती हैं। सूजन का मतलब है हम अगर पैर पर ऐसे उंगली गाड़ें उसकी गोश्त के उसमें और ऐसे छोड़ें, तो अगर गड्ढा रह जाता है तो सूजन है, और एकदम ऊपर को आ जाती है गोश्त तो सूजन नहीं है। पर पैरों पर सूजन अच्छा नहीं है, दर्द के साथ साथ चली जानी चाहिए। अलसी का नुस्खा लंबे अरसे तक भी ले सकते हैं, लेकिन बगैर जांच के हम कोई कह नहीं सकते कि इतने वसूख से, इतने जिम्मेदारी से कि उनका वो निकल चुका है। जांच में तो वो आपको लिख कर ही दे देता है कि उनको फ़ायदा होता है। और ये अच्छे नुस्खे मैं बताता हूँ, दावा कुछ नहीं करता, इससे लोगों को फ़ायदा होते हुए देखा गया है। दुआ भी करूँगा, आप भी दुआ करें, नुस्खा देते रहें, और मजबूत हो जानी चाहिए उनकी किडनी। जी,
हकीम साहब, इन्होंने कहा है कि यूरिन में स्मेल आती है। हाँ देखिए, कुछ पेशाब इनका रुक कर आता है और सड़ कर आता है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन चला जाना चाहिए था अभी तक, क्या वजह है क्यों नहीं जाता है। और किडनी की गंदगी टेस्ट होती है, किडनी का फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी की तंदुरुस्ती टेस्ट होती है, वो सब जांच करा कर ही पता चलता है। देहरादून से हैं कावेरी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शैलजा मैम जी। नमस्ते हकीम जी सर, कैसे हैं आप? स्वागत है कावेरी जी का। सर कैसे हैं, बहुत दिनों बाद बात हो रही। मैं ठीक हूँ कावेरी लग जी, नहीं पा रहा था। बहुत दिन बाद वाकई बात हो रही है आपसे, आप ठीक हैं? जी आप बताइए, आप ठीक हैं? कल तो आपकी आवाज में बहुत वीकनेस लग रही थी, पूछने की जरूरत नहीं कि आप कल ठीक नहीं थे। मैंने प्रोग्राम सुना था और कॉल लगाने की कोशिश की पर लगी नहीं, और आज आप ठीक हैं, बेटर हैं? हाँ मैं गांव से होकर आया हूँ, बड़ा सुस्त चल रहा हूँ, लेकिन आपसे बात होते ही मैं एक्टिव हो जाऊंगा। आप खुश रहिए, और इतने लोग आपको चाहते हैं, इतने सारे व्यूअर्स हैं कि लिस्ट बनाने से आप नाम भी लिख नहीं पाएंगे शायद, लेकिन बात लंबी हो जाए, मेरे पास एप्रिसिएशन के वर्ड्स नहीं है आपके लिए। बहुत तारीफ करूंगी क्योंकि मेरे परिवार में किस किस को फायदा हुआ है, पहले मैं फीडबैक कॉल देना चाहूंगी। हालांकि मैंने बता रखा है, मेरे हस्बैंड को बचपन से शायद बाहर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो कूड़े की गाड़ी है, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हमें बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, वहीं आपकी आवाज उसको वहीं फिल्टर कर देती है। अरे सर आपकी आवाज में वो लहजे में वो शांति है कि बस मन खुश हो जाता है सुन के, बहुत तसल्ली होती है, इतना ज्यादा पीसफुल साउंड रहती है आपकी आवाज, बहुत अच्छी लगती है, बहुत शांति से बताते हैं, बहुत बैलेंस के साथ, ये तो एक अलग ही बात है, और सभी तारीफ करते हैं। आज मैंने सोनी का भी रिमार्क सुना था सुबह, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी थी। तो सच में आप प्रशंसा के पात्र हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि शायद आप रब के करीब हैं, ये भी कह सकती हूँ, आपका ऑरा बताता है फेस का। लेकिन समय निकल जाए इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को फीडबैक कॉल में बचपन से नजला था, मैं इतनी खुश हूँ कि उनको खूनी बवासीर और बचपन से नजला दोनों में फायदा हुआ है। 1.5 मंथ से मैंने उनको दिया है बनाते नुस्खा घरेलू, जो आपने नजले के लिए सफिस्तान और नाह वर्सी का बताया था, तो उससे उनके नजले में पहले नाक बिल्कुल सूज जाती थी, लाल हो जाती थी, होठ सूज जाते थे, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी, अब बहुत फायदा है, 50% एंड ओनली 1.5 मंथ में। और खूनी बवासीर में खून आना बंद हो गया है, जो आपने कत्था सफेद अलसी लाजवंती और गोंद मरिंगा बताया था वो मैंने बना के दिया, तो उससे बहुत आराम है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इवन जैतून का सिरका भी मैं उनको दे रही हूँ, और साथ में गोंद मरिंगा, वो गोंद मरिंगा तो पड़ा है नुस्खे में, गोंद चाय भी दे रही हूँ, उनकी बॉडी में कहीं कहीं दर्द रहता है जैसे, तो सभी में फायदा हो रहा है ओवरऑल। सेकेंडली मेरे बेटों को, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी आ रही है, और थैंक यू। और मेरे बेटे को दूसरा नंबर, मेरे बेटे को फायदा हुआ है, 30 साल का बेटा है, उसको भी अस्थमा की शिकायत हो गई थी, उसको भी बहुत आराम है, ग्लैंड को ऑपरेशन बता दिया था उसको, उसको भी बहुत आराम है, साथ में वेट के लिए वो ले रहा है, पहले से कम है वेट, टहलने जाता है। और थर्डली मुझे कितने फायदे हैं, बहुत सारी, 4 प्रॉब्लम थी, यूटीआई इन्फेक्शन था 2 साल से, और यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से मुझे 6 महीने 2021 में फीवर रहा कंटिन्यूसली, और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये फीवर है क्यों, सारे टेस्ट करा लिए, टाइफाइड और ये सब कुछ, 10,000 रुपए लगाए थे टेस्ट में, फिर पता चला कि यूटीआई इन्फेक्शन है और उसकी वजह से फीवर आ रहा है। इवन 20 में भी मुझे 6 महीने रहा, और इस साल भी मार्च तक रहा, अप्रैल से, मई से मैंने आपका नुस्खा शुरू किया, मुझे पता ही नहीं था आप टीवी पर आते हैं, मेरे हस्बैंड ने बताया था। यूटीआई की, यूटीआई वाला नुस्खा आप जरा सा बता दें, बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं, उनको अक्सर प्रॉब्लम रहती है, तो उसे जरा दोहरा दें ताकि दूसरी महिलाओं को भी फायदा हो सके। जी मैंने, आपने मेरे को अलसी बताई थी, अलसी का पाउडर भून के और उसमें नमक जैतून 1 चुटकी पानी में डालकर वही लिया मैंने, उसी से इतना आराम हुआ सर, मेरी सर में खुजली हो गई थी वो भी चली गई, और यूटीआई इन्फेक्शन में यूरिन अभी भी थोड़ा सा कलर डर्टी है, बट बहुत सारा फायदा है, इतना आराम है, पेट में हल्कापन लगता है और उससे बहुत आराम हो रहा है मुझे।
जो प्रॉब्लम थी, फीवर आना बिल्कुल बंद हो गया सर जी जी, तो ये इन्फेक्शन दो साल हो गए मुझे कंटिन्यू, ओनली अलसी और एक चुटकी नमक जैतून पानी में डाल के लिया था। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने गोंद किया तो ले ही रही हूँ, मेरे घुटनों में 12 साल से दर्द था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, समय नहीं खराब करूंगी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पैर में इतना खिंचाव, उसमें इतना आराम है मोर देन 80%, अब मैं आराम से अपने जॉब पे जा सकती हूँ, पहले मेरा बीच में पैर स्टक हो गया था, इतना आराम है मुझे गोंदिया खाने से अलसी के साथ, और जैतून का सिरका भी ले रही हूँ। लेकिन सर मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगी कि जैतून का सिरका शुरू में, क्योंकि हम लहसुन नहीं खाते, तो हालांकि मैंने अब स्टार्ट कर दिया है दवाई में डालकर, शुरू में मैंने प्योर लिया ऐसे ही, तो मेरी जो तलब होना चाहिए थी वो बहुत कम हो गई। इवन मेरे बेटे को जो एक बार मैंने पूछा था क्रेविंग होती है उसको खाने की, उसकी क्रेविंग भी कम हुई है, उसको भी मैंने जैतून का सिरका दिया, तो इतना आराम हुआ, शायद ये जैतून के सिरके से हुई है क्या, मैं ये जानना चाहूंगी, ये क्यूरियोसिटी है। हालांकि अब मैंने उसमें अदरक नींबू लहसुन मिलाया है कि शायद और ज्यादा फायदा करेगा, बेटे को भी कोलेस्ट्रॉल है मुझे भी। थर्डली एक ये फायदा हुआ कि मेरे जो तलवे से ना एड़ी सारी क्रैक रहती थी बहुत साल हो गए, वो इतनी चिकनी हो गई है, वो किस वजह से हुई, मैं जैतून का सिरका ले रही थी, गोंदचा ले रही थी और गोंद मरिंगा भी ले रही हूँ, बालों की वजह से बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो गया, इवन मेरी मेड भी टोकती है कि आपके बाल तो मांग दिखती थी अब नहीं दिखती है। तो इतने सारे मुझे फीडबैक है कि मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, और भी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और मेरे 3 क्वेश्चन है वो मैं पूछ लूँ अगर समय हो तो। जी जी एक तो ये है कि जो स्प्लीन होती है ना, मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम महसूस करता है जहाँ पे स्प्लीन होती है लेफ्ट साइड में, स्लीहा बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम भी महसूस करता है, तो क्या है ये, क्यों क्यों ऐसा होता है, पेट के नीचे यानी पसलियों के नीचे बाईं तरफ। हाँ ये इस जगह हाँ, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम महसूस करता है, ऐसा क्यों है, क्या हो सकता है इसका, और कलमी शोरा के काम में आता है, एक बार आपने किसी को बताया था एक चुटकी, तो वो ये जानना चाहूंगी। और भी क्वेश्चन है बट आज नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते होंगे, सॉरी टू टेक टाइम सो मच, प्लीज। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत से, तो मैं शुरू से पहली कॉल से बहुत इम्प्रेस रहा, और आज तो आपने हद ही कर दी, कहाँ से जिक्र करें और कहाँ तमाम करें, तुम्हारी बात को हम किस तरह से आम करें, क्या अंदाज है आपके बात करने का, एक एक लफ्ज उतर जाता है दिमाग में, वक्त बहुत कम है इसलिए कम बात करूँगा, मुझे सवाल इनके याद दिलाएं। कलमी शोरा किस काम आता है? हाँ कलमी शोरा नुस्खों के साथ इस्तेमाल आता है, 6-7 चीज़ों के साथ, देखिए ये कलमी शोरा एक चुटकी, धनिया आधा चम्मच, और ज़ीरा 2 ग्राम, और एक आती है उसे कहते हैं, एक आती है सौंफ, वो 2 चम्मच, इसे उबाल कर पिया जाए तो पेट की समस्याएं हल होती हैं। और क्या सवाल है? बेटे को लेके हैं, लेफ्ट साइड पसलियों के नीचे थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं इनके बेटे। ठीक है जी। स्प्लीन की आप बात कर रहे थे, इस तरफ होती है, और कभी हमारा लीवर मुतासिर होता है, इम्प्रेस होता है, तो इस हमारे लीवर का एक हिस्सा इस तरफ को होता है, बाकी पूरा लीवर इधर होता है, स्प्लीन इधर होती है, तो अगर लीवर में सूजन आ जाए तो वो ये हिस्सा स्प्लीन सूज जाती है और फिर अच्छे से काम नहीं करती, तिल्ली जिसे कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, तो इसके लिए वो आप दे सकते हैं नमक जैतून, और दे ही रहे हैं तो धीरे धीरे वो अपनी जगह पर आना बेहतर है, नहीं तो यहाँ एक हल्की सी तकलीफ रहती है, बच्चे का लीवर भी मुतासिर हो सकता है, तो ये आप उन्हें देते रहें और उनको फायदा मुमकिन है। शामली से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। जय श्री कृष्ण। हाँ जी मैं
शामली से बोल रही हूँ, मुझे गठिया है, डॉक्टर उनसे बात करवा दी। बात हो रही है, बताइए शामली वालों। हाँ हाँ, मुझे ना गठिया है बहुत साल से, 14-15। कितनी उम्र है आपकी, आयु कितनी है? मेरी 60 के करीब है। ठीक है। अच्छा, ये रोग बहुत जटिल है, 6-7 महीने तक इलाज करें और उस इलाज में खट्टी चीज़ें छोड़ दें और झाड़ू पोंछा छोड़ दें और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें। खाना कम खाएं, जो आपकी खुराक है उससे एक रोटी कम खाएं, ये ज़रूरी है। गर्म पानी 5 बार पिया करें रोज़ाना। और आप जानते हैं कि अलसी, यूपी वाले तो सभी जानते हैं अलसी क्या होती है, पंसारी के यहाँ मिल जाती है। अलसी लें 200-400 ग्राम, आधा किलो ले लें, सस्ती आती है। उसको साफ़ कर लेना, कंकर बहुत होते हैं और मिलावट बहुत होती है, उसको साफ़ करके हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। अब आपको खाना कैसे है, आधा चम्मच अलसी का पाउडर और आधा ग्राम गोंद सियाह। गोंद सियाह एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसे, जो गोंद के रूप में है लेकिन ये अलग टाइप का होता है, और इसमें याद रखें नकली बहुत मिलता है, ये 1 ग्राम मिल जाता है तकरीबन 15-16 रुपए का, कड़वा बहुत होता है। और दुकानदार इसके बदले में अक्सर एलवा दे देते हैं, एलवा नहीं है ये बिल्कुल, एलवा शीशे की तरह चमकता है और ये वाला गोंद चमकता नहीं, याद रखें, क्योंकि इसमें लोग अक्सर बेईमानी से कुछ उससे मिलती जुलती चीज़ दे देते हैं। तो असली गौंसिया लें, आधा ग्राम गौंसिया और आधा चम्मच अलसी को शहद में मिलाएं या मलाई में मिलाएं और उसे खा लें, कड़वा बहुत होता है। और पानी पी लें, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा, ऐसा 2 बार करें खाने के बाद, और 6-7 महीने लगातार इलाज करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।